मुंद्रा तालुकाना ध्रब गामे अदानी कौशल्य विकास केंद्र तथा थर्मेक्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित ध्रब गामना विद्यार्थीओ अने विद्यार्थिनीओने कॉम्प्यूटर कोर्स करावी तेमने सर्टिफिकेट वितरण करवामां आव्या। आ कार्यक्रममां श्रीमती पंक्तिबेन शाह अदानी फाउंडेशन, मिस्टर अनिप शेखसर थर्मेक्स फाउंडेशन, श्रीमती सोखंदा गायकवाड थर्मेक्स फाउंडेशन, मिस्टर जयेशभाई देसाई थर्मेक्स फाउंडेशन, मिस्टर अशोकभाई नायक थर्मेक्स फाउंडेशन, मिस्टर सागरभाई कोटक अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर तथा सरपंच श्री ध्रब ग्राम पंचायत असलमभाई मामकतूर, इरफानभाई अब्दुल कादर तुर्क उपसरपंच श्री ध्रब ग्राम पंचायत, रसिकभाई अली मामक तुर्क तालुका पंचायत सदस्य मुंद्रा, अब्दुरहमान भाई जूसफ तुर्क प्रमुख श्री ध्रब समाज, अनवरभाई अब्दुल कादर मामक तुर्क, गनीभाई दाऊद तुर्क ध्रब ग्राम पंचायत सदस्य देसरभाई महेश्वरी, अरसलान ईशाक तुर्क सदस्य ध्रब ग्राम पंचायत, दाऊदभाई ओस्मान तुर्क सदस्य ध्रब ग्राम पंचायत, रसिकभाई बाबूभाई तुर्क सदस्य ध्रब ग्राम पंचायत, हासिम ओस्मान तुर्क सदस्य ध्रब ग्राम पंचायत, फिरोज अब्दुल कादर तुर्क सदस्य ध्रब ग्राम पंचायत, सलीमभाई आगरिया सदस्य ध्रब ग्राम पंचायत, समीर ओस्मान तुर्क सदस्य ध्रब ग्राम पंचायत तथा ग्रामजनों जोड़ाया हता। शिराज मलेक साथे कासम खलीफा, न्यूज 11 गुजरात, मुंद्रा कच्छ। इलेक्ट्रिशियन और कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेशन का कोर्स किया है, जो अदानी स्किल फाउंडेशन की वजह से जो बच्चों ने पढ़ा है, 3 महीना पढ़ा है और जो बच्चों को जॉब भी लग गया है, वो अच्छी बात है। मैं इधर आया था फर्स्ट टाइम, असलम भाई जो सरपंच है गांव के, उन्होंने भी खूब मेहनत की बच्चों को स्किल डेवलप करने के लिए और हमको भी सहयोग किया, और हम आगे भी सोचेंगे कि इस टाइप के प्रोग्राम के बारे में हम और कुछ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हम रख सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ध्रुव ग्राम पंचायत और अदानी स्किल फाउंडेशन को थर्मेक्स की ओर से, धन्यवाद। अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर अने थर्मेक्स फाउंडेशन द्वारा ध्रुव गामना अने मुंद्रा गामना भाइयों अथवा बहनों माटे कॉम्प्यूटर अने इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग आपवामां आवी, जेमा टोटल 50 भाइयों अने बहनों कॉम्प्यूटर तालीम लीधेली छे। एनी अंदर टोटल 40 बहनों ने भाइयों ने आपणे नौकरीनी पण तक आपेली छे, तथा अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर द्वारा इलेक्ट्रिशियन पण तालीम आपवामां आवेली हती, जेमां टोटल 20 भाइयों भाग लीधेलो हतो, एमांथी 15 जणा अत्यारे जॉब पण करे छे। तो आ सहयोग माटे थर्मेक्स फाउंडेशन खूब खूब आभार व्यक्त करूँ छूँ અને ધ્રબ ગ્રામ પંચાયતનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું, ધન્યવાદ। આજે અમારા ધ્રબ ગામે થર્મેક્સ કંપની ના હેડ અનીસ સાહેબ, મેડમ જયેશભાઈ, એ બધા અમારા ગામમાં 50 વિદ્યાર્થીઓને કોમ્પ્યુટરની ટ્રેનિંગ આપી હતી, એની સાથે અદાણી ફાઉન્ડેશનના સાગરભાઈ એ સાથે જોઈન્ટમાં ટ્રેનિંગ આપી હતી, અને આજે બધાની હાજરીમાં અમારી ગામની સમાજવાડીમાં 50 છોકરાઓને એની સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવી છે, અને આગળ પણ આવા જ કામ થર્મેક્સ કંપનીની તરફથી થતા રહેશે એવી અમને ખાતરી આપી છે, અને અમારી અદાણી ફાઉન્ડેશન પણ અમારી ઘણી સાથે રહે છે, અને અમને જ્યારે કહીએ ત્યારે અમારી જે પણ વસ્તુ કહીએ એ અમારી સાથે કામ કરી આપે છે। કોઈ પણ અદાણી ફાઉન્ડેશનને અમને જે પણ વાત કરીએ છીએ એ અમને સહયોગ આપતા જ રહે છે, એને અદાણી ફાઉન્ડેશન અને થર્મેક્સ કંપનીનો અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ। तो मैं अपनी भूमिका गुंदाला स्कूल में उत्थान सहायक की।
वहाँ पर मैं जो जॉब करती हूँ तो हमको बच्चों का सारा रिपोर्ट्स बनाने का होता है। बच्चे रोज आते हैं तो उनकी अटेंशंस, फिर उनका मुझे अलग अलग फील्ड में रिपोर्ट बनाने का होता है। तो मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, लेकिन हमारे सबके पास स्मार्टफोन है। हम ऐसा सोचते कि हमने कंप्यूटर की ट्रेनिंग तो ली है, लेकिन मेरे पास तो कंप्यूटर है नहीं, तो मैं कैसे काम करूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कंप्यूटर नहीं है तो हमारे सबके पास ऐसा कोई इंसान नहीं कि स्मार्टफोन ना हो। सबके पास स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन के अंदर भी हम कंप्यूटर जो कार्य करता है वही कार्य हम कर सकते हैं, उसके अंदर भी वही काम होता है। तो मेरे पास कंप्यूटर नहीं है तो मैं अपने बच्चों का जो भी डेटा है, जो भी ऑनलाइन अटेंशन की जो भी कुछ करने का काम होता है, वो सारा काम मैं अपने फ़ोन में करती हूँ। और मैंने ये सब सीखा मेरी ट्रेनिंग के द्वारा। और मैं थर्मेक्स कंपनी का थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं अपने पांव पर खड़ी हो पाई हूँ। मैं खुद का खर्चा तो निकाल पाती हूँ, साथ साथ में मेरी जो फैमिली है उनको भी मैं सपोर्ट कर पाती हूँ। अगर थर्मेक्स कंपनी ने मुझे सपोर्ट ना दिया होता तो शायद मैं आज खड़ी ना हो पाती। इसलिए मैं थर्मेक्स का कहा जाता है कि अगर कोई भूखा इंसान होगा ना तो हम उसे एक दिन रोटी दे देंगे तो शायद वो अपनी भूख संतोष कर पाता है। क्या हम उस भूखे इंसान को रोज रोज रोटी देंगे? हम सहाय तो उसकी कर पाएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो भूखा इंसान को हम कुछ ऐसा काम सिखाएं। काम सीखकर वो काम करे तो अगर एक दिन नहीं, लेकिन जहां तक वो इंसान काम करेगा वहां तक वो हमें याद करेगा। सिर्फ एक दिन ही हमें वो याद नहीं करेगा, पूरी जिंदगी वो हमें याद करेगा कि नहीं, इस इंसान की वजह से आज मैं अपना पेट तो भर पा रहा हूँ, साथ ही साथ मैं अपने परिवार का भी पेट भर पा रहा हूँ। तो हम सिर्फ रोटी देकर उसकी भूख मिटा सकते हैं नहीं, हम उस इंसान को कुछ ऐसा काम सिखा दें और वो जॉब करे, कुछ भी ऐसा काम करे जो उसके जीवन में उपयोगी हो और वो अपना पेट तो भर ही सके, अपनी भूख, अपने पेट की भूख तो मिटा सके, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार की भूख भी मिटा सके। अंत में